एक सामान्य व्यक्ति हवाई जहाज में सफर की तमन्ना रखता है क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए हवाई जहाज का सफर करना थोड़ा खर्चीला लगता है। दरअसल हवाई जहाज से सफर करने में पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, इसीलिए सामान्य व्यक्ति बस या फिर ट्रेन से ही सफर करते हैं। ऐसे में हर कोई ट्रेन के टॉयलेट की गंदगी के बारे में वाकिफ होता है कि उसकी गंदगी ट्रेन के ट्रैक पर ही चली जाती है, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर हवाई जहाज के टॉयलेट की गंदगी कहाँ जाती होगी, क्योंकि वो हवा में उड़ता है और उड़ते हुए उसके टॉयलेट की गंदगी नीचे तो गिरेगी नहीं, फिर उसके टॉयलेट की गंदगी जाती कहाँ है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर हवाई जहाज के टॉयलेट की गंदगी कहाँ जाती है। दरअसल बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज की गंदगी हवा में या फिर जमीन पर निकाली जाती होगी, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि हवाई जहाज में एक 200 गैलन का एक टैंक होता है और यात्रियों का मल मूत्र उसी टैंक में इकट्ठा होता है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 30 सालों से हवाई जहाज में वैक्यूम टॉयलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वैक्यूम टॉयलेट में ऐसी व्यवस्था होती है कि जो पानी को एक तरफ और ठोस मल को एक तरफ यानी दोनों को अलग कर देती है और फिर मल जहाज में नीचे लगे हुए 200 लीटर टैंक के अंदर मिल जाता है। असल में देखा जाए तो ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होती है कि ये 200 लीटर का टैंक हर हवाई उड़ान के बाद एयरपोर्ट पर खोला जाता है और उसको खाली कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये टैंक बाहर की तरफ खुलता है और इस कार्य को एयरपोर्ट पर तैनात कंपनी के कर्मचारी बहुत ही तेजी से करते हैं। इसकी सफाई कर्मचारी गण हर हवाई अड्डे पर करते हैं, जिन्हें अच्छी सैलरी भी दी जाती है। बता दें कि हवाई जहाज जब भी उड़ान भरता है तो उसके हर एक उड़ान के बाद उसकी जांच पड़ताल की जाती है, ताकि कभी भी भविष्य में प्लेन क्रैश होने का डर ना रहे, क्योंकि हर एक उड़ान के बाद हवाई जहाज में कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती है, जिसे एयरपोर्ट के कर्मचारी जांच करके पता लगाते हैं और उड़ान से पहले उसकी सर्विसिंग की जा सके और इस दौरान ही हवाई जहाज के टॉयलेट की सफाई भी की जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हवाई जहाज की गंदगी आखिर जाती कहाँ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।